इत्तेफाक ना कर पहले नंबर पे बोलो जी अभी आप ये है ठीक है जी एग्री है सर। अच्छा दो चीज तो हो गया। सबसे बढ़िया प्रोडक्ट नॉलेज किसके पास है? किसके पास है बताइए? आपके पास। अकबर खान जी सर। और सबसे अच्छा पूरे कंपनी में इनकम किसका है? वो बतावट पड़ी यही है जब लाभ करें तो ही दूसरे पड़ी नहीं यहाँ किसी और का नाम तो आएगा नहीं। देख रहे हैं आप जिसके पास ये है उसके पास ये है, जिसके पास ये है उसके पास ही ये है, जिसके पास ये है उसी के पास ही ये है, क्योंकि इनके पास ये है तो इनके पास ये है, इनके पास ये है तो इनके पास ये है, इनके पास ये भी है तो इनके पास भी ये है। तो ये क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है कि यहां पे जिस दिन जिसका नाम आएगा इसका सामने उसका नाम जरूर आएगा, ये 100% तय है। जिस दिन आप बेस्ट प्लानर हो गए, जिस दिन आप हार्ड वर्किंग किए शुरू किए, जिस दिन आप प्रोडक्ट नॉलेज भी, ये सब काउंट करेगा। ऐसा नहीं कि आप बढ़िया प्लानर काम ना कर रहे हो, आप बढ़िया प्लानर हैं प्रोडक्ट की नॉलेज ही नहीं है। आपके पास प्रोडक्ट की नॉलेज है लेकिन हार्ड वर्क नहीं कर रहे हैं, प्रोडक्ट नॉलेज बहुत अच्छा है प्लानिंग ही नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा आप हार्ड वर्कर तो हैं लेकिन प्लानर नहीं है, हार्ड वर्कर तो हैं प्रोडक्ट नॉलेज ही नहीं है, ये नहीं बनेगा। ये तीनों जब मिलेगा तो ये बनना चालू हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता इसको। ये मेरा अपना तजुर्बा है, इसलिए आप लोग एनालिसिस करिए कि यह क्या सारी चीजें मेरे पास है। गुड गुड। अगर इसमें से कुछ भी मिसिंग हो रहा है आप तब तक कामयाब नहीं होंगे जब तक ये कंप्लीट नहीं कर लेंगे आप। ये तीनों चीज जिस दिन आपके अंदर आ गई फिर आपको मुड़ के पीछे नहीं देखना पड़ेगा, ये आपके पीछे फिर आएगी।